दोस्तों, विवाह मूवी फेम एक्ट्रेस अमृता राव बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी हैं जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी दमदार अदाकारी और खूबसूरती का ऐसा जलवा बिखेरा कि आज उनके चाहने वाले देश के कोने कोने में हैं, और शायद इसलिए लोगों को लगता है कि वो सब इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप लोग इस मशहूर अभिनेत्री के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप अभी भी इनके बारे में 10 अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से अनजान हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसे ही 10 अनसुनी और दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे ओ माय गॉड। अगर आप भी इनसे जुड़े इन सभी अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को फिल्म सिटी मुंबई में हुआ, और इसी के चलते इन्होंने मुंबई के कनॉस कन्वर्ट गर्ल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की। नंबर 2, आपको बता दें आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अमृता राव एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनके पापा एक प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत थे, तो वहीं इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती हैं। साथ ही साथ आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अभिनेत्री अमृता राव की एक जुड़वा बहन भी है, जिनका नाम है प्रीतिका राव, जो दिखने में हूबहू इन्हीं की तरह है। नंबर 3, बेहद ही कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अमृता राव सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि कई तरह की भाषाओं को बोलने में भी माहिर हैं। जी हाँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अमृता राव हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कोंकणी और मराठी भाषा भी बोलना जानती हैं, जो इनकी एक अलग स्पेशलिटी है। नंबर 4, बता दें कि इस खूबसूरत अदाकारा ने अपने एक्टिंग करियर को अहमियत देते हुए अपने कॉलेज की पढ़ाई को आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म कर दिया था, और साल 2002 में आई फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। नंबर 5, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अभिनेत्री अमृता राव का पहला पब्लिक अपीयरेंस फिल्म अब के बरस नहीं बल्कि अलीशा चिनॉय का सॉन्ग वो प्यार मेरा था, जिसमें इन्होंने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस देते हुए एक्टिंग की दुनिया में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। नंबर 6, यूं तो सभी जानते हैं कि अभिनेत्री अमृता राव एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस टीवी इंडस्ट्री का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिन्होंने मेरी आवाज ही मेरी पहचान और परफेक्ट ब्राइड जैसे सीरियल में काम किया। नंबर 7, अभिनेत्री अमृता राव की जिंदगी से जुड़ा एक सच ये भी है कि अमृता राव बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फैन है, जिसकी वजह से ये तीनों ही मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस की एक भी फिल्म देखना मिस नहीं करती। नंबर 8, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि अभिनेत्री अमृता राव ने साल 2006 में आई फिल्म विवाह में शाहिद कपूर के साथ काम किया, लेकिन अभिनेत्री अमृता राव बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भी कई मेगा स्टार के साथ काम कर चुकी हैं, जिनमें सनी देओल के साथ साथ शाहरुख खान का भी नाम शामिल है। नंबर 9, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री अमृता राव ने एक फिल्म आर्टिस्ट नहीं बल्कि रेडियो जॉकी अनमोल सूद को अपना जीवन साथी चुना, जिन्हें मुंबई का स्टाइलिश रेडियो जॉकी कहकर भी पुकारा जाता है। बता दें कि अमृता राव और अनमोल शादी से पहले तकरीबन 7 सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, जिसके कुछ समय बाद इन्होंने 15 मई 2016 में एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। नंबर 10, अभिनेत्री अमृता राव की जिंदगी से जुड़ा सबसे इंटरेस्टिंग और प्यारा फैक्ट ये है कि सबकी फेवरेट एक्ट्रेस अमृता राव जल्दी माँ बनने वाली है, जिन्हें हाल ही में एक तस्वीर में बेबी बम के साथ देखा गया है, जिस पर उनके फैंस भी इन्हें अपने अपने अंदाज से बधाइयां दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री अमृता राव के इन 10 अननोन फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।